तो ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा, तो जिस किसी भी लड़की के ऊपर या फिर जिस किसी भी सेलिब्रिटी आपका कोई क्रश रहेगा, तो उनके ऊपर अगर आपको ये रील बनाना होगा, तो उनके आपको सबसे पहले 12 फोटोज़, मतलब 12 फोटोज़ रेडी करके रख देने हैं। 12 फोटोज़ रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव करके आपको शो कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, एक टेम्पलेट को ऐड करना है। तो टेम्पलेट में आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये वाला जो टेम्पलेट है वो रेडीमेड आपको फ्री में अवेलेबल है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये जो टेलीग्राम चैनल पर चल जाना और ये जो टेम्पलेट है इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर आपको एक फोटो और वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। और अभी यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अभी यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है, सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटोज़ रखे होंगे, 12 फोटोज़, 12 फोटोज़, तो उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और आपको वन बाय वन 12 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ फोटोज़ को सिलेक्ट करके। आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 13 नंबर आ चुके हैं, मतलब आपके 12 फोटोज़ और स्टार्टिंग का आपका एक जो था टेम्पलेट वो पूरा मिलाकर आपका यहाँ पर 13 नंबर शो हो जाएंगे। तो ये 13 नंबर आ जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आपको आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आके आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने एक चूज का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तो वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 ही रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको टोटल 11 बीट्स ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है। जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 12.45, मतलब तो आप देख सकते हो 12.45। तो अब जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 1.62 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 12.45 आने तक आपको इसे इस तरीके से मूव करना है आगे, और जिस पॉइंट पर 12.45 आ जाएगा उस पॉइंट पर आके रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर 12.45 आ चुका है। तो इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा, जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट बीट है वो ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली बचे हुए बाकी के 10 बीट भी आपको ऐसे ऐड करनी है। बचे हुए 10 बीट का टाइम ड्यूरेशन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा, उस हिसाब से आपको सारी बीट्स को यहाँ पर ऐड करके ले लेना है। सारी बीट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 11 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जैसे आप जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर का जो बार है ये ऑडियो का बार है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है। तो ये वर्टिकल लाइन्स मतलब आपने जो बीट्स यहाँ पर ऐड किए वो बीट्स है। तो अभी आपको करना क्या है, हर एक फोटो को हर एक लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एडजस्ट करके लेना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टेम्पलेट है इसे तो आपको इग्नोर करना है। इसके बाद आपको करना क्या, जैसे आप कोई भी फोटो को जूम करते हो उसे दो उंगलियों की मदद से यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से जूम करना है, ताकि आपको एडिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर ऑडियो के बारे में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे आपका जो फर्स्ट फोटो रहेगा तो फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना और इसे आपको इस तरीके से इस लाइन तक ड्रैग करना है। फिर सेकंड लाइन को सिलेक्ट करके सेकंड फोटो को, फिर थर्ड लाइन को सिलेक्ट करके थर्ड फोटो को, ऐसे आपको हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारे फोटोज़ को एडजस्ट कर लिया, लेकिन ये लास्ट वाले फोटो के लिए आपको कोई भी वर्टिकल लाइन शो नहीं होगी। तो आपको करना कि लास्ट वाला फोटो ऑडियो का बार मतलब ब्लू कलर का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक लास्ट वाले फोटो को इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है।
इतना हो जाने के बाद आपको इंडिविजुअली हर एक फोटो को चेक करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप ये वाला फोटो देख सकते हो, यहाँ पर ये वाले फोटो के ऊपर जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का बॉर्डर दिखेगा, तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हर एक फोटो को मैन्युअली आपको एडजस्ट करना है। जैसे ये फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे से बार को सिलेक्ट करना है, ऊपर जाके इस तरीके से आप फोटो को जूम इन करके वगैरह आप इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ 9:16 का जो फ्रेम रेशियो इसमें आपको इसे एडजस्ट करना है। अगर इसके अंदर आ रहा है तो आप देख सकते हो ऊपर येलो कलर का बॉर्डर आपको थोड़ा सा दिखेगा, तो इसे आपको सिर्फ यहाँ पर गायब कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस तरीके से जूम करके रख सकते हो, फिर हर एक फोटो को आपको इस तरीके से यहाँ पर जूम करके मतलब जैसे भी आपको राइट लेफ्ट करके भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपको हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद अभी आप देख सकते हो फर्स्ट आपका टेम्पलेट रहेगा, इसके बाद आपका फर्स्ट फोटो है, इसके बाद सेकंड फोटो। तो सेकंड फोटो के बार को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, नीचे FX का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक व्हाइट वर्टिकल लाइन शो हो रही होगी, इसे आपको फोटो के एकदम स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से लेकर आना है। इसके बाद नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक जूम आउट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस जूम आउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो फर्स्ट फोटो है तो फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है, FX पे जाना है और यहाँ पर सारे ऑप्शन को ऐसे राइट साइड में स्क्रॉल करके एक नन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक सिंगल टिक मार के उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर सेम आपको जो फर्स्ट आपका जो टेम्पलेट रहेगा इसे भी सिलेक्ट करना है, FX पे जाना है, सारे ऑप्शन को राइट में स्क्रॉल करके जो नन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके नीचे एक सिंगल टिक मार्क रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। इतना हो जाने के बाद लास्ट में आपको करना क्या है, टेम्पलेट के बाद वाला आपका जो फर्स्ट फोटो रहेगा तो दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो इस प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको जो फिफ्थ नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है, एक्चुअली जूम आउट का ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ जूम दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन की वजह से, तो ये फिफ्थ नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ नंबर का जो ऑप्शन है जूम का तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे एक ड्यूरेशन का बार रहेगा उसे आपको फुल कर देना है राइट साइड में और नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ एक जो ट्रेंडिंग रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल के गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने बना हुआ जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बना हुआ वीडियो आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।